वेलकम स्टूडेंट्स, अगेन टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल हमने बात की थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रासायनिक शुद्धि की, केमिकल शिफ्ट की, और मैंने आपको बताया था कि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर जैसे प्रोटॉन है तो वो अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, और अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट में रहने से उनके अंदर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र अनुभव होता है, और इसलिए उनका अवशोषण भिन्न भिन्न चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो ये शिफ्ट होती है, जो विस्थापन होता है, जो अंतर होता है, इसको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। और ये जो केमिकल शिफ्ट पर्टिकुलर प्रोटोन का हम किसी रेफरेंस के संदर्भ के उसमें मेज़र करते हैं, डिस्टेंस में मेज़र करते हैं, किसी रेफरेंस के कंपैरिजन में हम उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू को मेज़र करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो सूटेबल रेफरेंस है, इंटरनल रेफरेंस, वो कौन सा है? वो है टीएमएस। टीएमएस का मतलब क्या हुआ? टेट्रा मिथाइल सिलेन। और कल मैंने आपको इसकी क्वालिटीज़ भी बताई थी, किस कारण हम टीएमएस को एक इंटरनल रेफरेंस के रूप में एनएमआर में यूज़ करते हैं। अब जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ हैं उनको दो मात्रक में हम कह सकते हैं, या दो साइन में हम नापते हैं उसकी वैल्यू जो है, या तो हम डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट की हम लेते हैं, और दूसरा इसका मात्रक है वो है टाऊ वैल्यू। तो डेल्टा और टाऊ ये दोनों केमिकल शिफ्ट को मेज़र करने के सिंबल्स हैं। अब डेल्टा वैल्यू के अंदर क्या होता है कि टीएमएस जो है टेट्रा मिथाइल सिलेन, उनके जितने भी प्रोटॉन हैं उनके डेल्टा वैल्यूज जो है हम जीरो मानते हैं। या जो हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का एनएमआर जो है उस पर हम क्या करते हैं, कैसे मेजर करते हैं कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र को इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू द राइट साइड, राइट साइड के अंदर बढ़ता हुआ चुंबकीय क्षेत्र हम लेते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ डायग्रामेटिकली, तो डायग्राम में आप देखेंगे ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है इस राइट साइड में, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये राइट साइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसको हम इस प्रकार से प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे एक्सट्रीम राइट में टीएमएस का सिग्नल आ रहा है, और टीएमएस की जो डेल्टा वैल्यू है वो हम क्या मानते हैं यहाँ पर जीरो। तो जो टीएमएस के जो प्रोटॉन्स हैं उन प्रोटॉन्स में क्या है, हाईली सीटेड प्रोटॉन्स हैं। टीएमएस के सारे प्रोटॉन 12 प्रोटॉन होते हैं, कल हमने देखा ये 12 प्रोटॉन कैसे होंगे, परिरक्षित हैं, शील्डेड हैं, इसलिए इनको रेजोनेंस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत अधिक ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र देना पड़ता है। इतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र जो है इन प्रोटॉन के अनुपात के लिए उपयुक्त होता है कि वहाँ सामान्यतः नॉर्मली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके प्रोटॉन रेजोनेट नहीं करते हैं। इसलिए टीएमएस को लेने का एक फायदा ये भी है कि इसके सिग्नल को किसी से इंटरफेयर या ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम डेल्टा वैल्यू जो होती है टीएमएस के सिग्नल्स के लिए, टीएमएस के प्रोटॉन के लिए वैल्यू क्या होती है, जीरो। और यहाँ इस साइड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये अप फील्ड, ये कैसा है अप फील्ड, बढ़ता हुआ क्षेत्र, उच्च क्षेत्र जिसको कहते हैं, ये उच्च क्षेत्र की दिशा है, बढ़ती हुई उच्च क्षेत्र की दिशा है। यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो कैसे है, परिरक्षित, हाईली शील्डेड, और ये जो दिशा है इस साइड के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर ये कैसे है, डी शील्डेड प्रोटॉन है, शील्डेड प्रोटॉन है। ये निम्न क्षेत्र है, लोअर फील्ड सिग्नल है, या संकेत कौन से होंगे, लोअर फील्ड के सिग्नल होते रहते हैं। तो अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक है उनकी डेल्टा वैल्यू जो है 0 और 10 के बीच में होती है। इस प्रकार से निम्न क्षेत्र में जैसे जैसे हम जाते हैं, निम्न क्षेत्र में जैसे जैसे किसी नाभिक का प्रोटॉन का अवशोषण होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, डेल्टा वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है लेफ्ट साइड के अंदर। इस प्रकार से
वो है टाउ की। तो टाउ जो मात्रक है, टाउ में जब हम उसकी प्रोटोन की नाभिक की चुंबकीय क्षेत्र की गुरुत्वाकर्षण गति को लिखेंगे तो वो क्या हुआ, टाउ और डेल्टा के अंदर ये संबंध है, टाउ इज इक्वल टू टैन माइनस डेल्टा। तो जो टीएमएस की जो वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू जीरो है, टाउ वैल्यू कितनी रहेगी 10, और यहाँ इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो कोई एक वैल्यू यदि आपको याद है, डेल्टा वैल्यू यदि आपको याद है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं टाउ वैल्यू के अंदर, केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो होगी डेल्टा और टाउ दोनों में हम क्या कर सकते, अंतर परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टीएमएस सिग्नल के लिए क्या होता है, जीरो होता है, और इस आधार पे हम देखते हैं कि अब फिल्टर जिसका होगा, जो सेलिंग प्रोटॉन्स होंगे वो कहाँ आएंगे, राइट साइड में आएंगे, टीएमएस की तरफ आएंगे, और उनकी डेल्टा वैल्यू कम होती जाएगी। डिशील्डेड प्रोटॉन्स जो है वो डाउन फील्ड में उनका रेजोनेंस होगा, और उनका रेजोनेंस होने से उनकी डेल्टा वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। कुछ यहाँ पर मैंने टिपिकल कंपाउंड्स के जो फंक्शनल ग्रुप हैं, प्रोटॉन्स हैं, नेचर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उनके यहाँ नाम लिखे हैं, जो अधिकांश हमके कार्बनिक यौगिकों में हमको प्रयुक्त होते हैं या हमको यूज आते हैं, उनके नाभिक के डेल्टा वैल्यूज, केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है मैंने यहाँ लिखी है। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इस टेबल को आप देखें और इसको आप लिख लें, और इस टेबल के आधार पर आपके दिमाग में आइडिया रहना चाहिए कि यदि डेल्टा वैल्यू इतनी है तो हो सकता है इसमें किस प्रकार का प्रोटॉन होगा, उस प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा होगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, तो साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन कैसे ये स्ट्रक्चर होता है साइक्लोप्रोपेन का, ये CH2, इस प्रकार का केमिकल एनवायरनमेंट यदि है तो यहाँ पर कैसे हैं 6 प्रोटॉन, कैसे इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो ये कैसे हैं हाईली डीशील्डेड प्रोटॉन्स हैं, कैसे हैं ये डीशील्डेड प्रोटॉन्स हैं, इसलिए इसकी जो शील्डिंग प्रोटॉन्स है इसकी जो वैल्यू रहेगी डेल्टा वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर जो केमिकल शीट वैल्यू है वो इसमें है डेल्टा रहेगी, यदि टाउ की कमी होगी तो हम क्या करेंगे उसको 10 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन की 6 प्रोटॉन है, एक सिग्नल आएगा और उसके लिए डेल्टा वैल्यू कितनी है 0.2, 0.2 का मतलब क्या है टीएमएस के पास है यहाँ पर करीब करीब, तो ये कैसे हैं परिरक्षित हैं शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी इन द सेंस ये प्राइमरी प्रोटॉन कहलाते हैं, जैसे मिथाइल प्रोटॉन है, तो इनकी वैल्यू ये भी कैसे होंगे ये शील्डेड है, इनकी वैल्यू 0.9 डेल्टा होती है। विनाइलिक प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास हों, ऐसे प्रोटॉन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधे जुड़े हुए हों उसको हम विनाइलिक प्रोटॉन कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होंगे, उनकी डेल्टा वैल्यूज क्या है थोड़ी ये डाउन फील्ड होती है, और डाउन फील्ड होने से डेल्टा वैल्यूज की बढ़ जाती है। एसिडिक प्रोटॉन जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उससे जुड़ा हुआ प्रोटॉन है उसको हम बोलते हैं एसिडिक प्रोटॉन, और एसिडिक प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यूज किस रेंज में है 2 से 3.5 के बीच होती है। एरोमेटिक प्रोटॉन को कहलाते हैं जो एरोमेटिक रिंग में होते हैं, लाइक दैट बेंजीन न्यूक्लियस के जैसे 6 प्रोटॉन है तो सभी कैसे हैं एरोमेटिक प्रोटॉन है, इनकी डेल्टा वैल्यूज अगेन क्या है 6 और 9 के बीच होती है, डाउन फील्ड होते हैं डीशील्डेड प्रोटॉन्स हैं। इसको बाद में डिटेल में और देखेंगे कि इतनी डीशील्डिंग क्यों होती है एरोमेटिक प्रोटॉन्स के अंदर क्या कारण है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन फ्लोराइड्स, कार्बन से जो प्रोटॉन जुड़ा है, बट कार्बन किससे जुड़ा है क्लोरीन से जुड़ा है, तो इसके लिए डेल्टा वैल्यू ऐसे प्रोटॉन जो होंगे उनके लिए डेल्टा वैल्यूज कितनी होती है हाई होती है 4 से 4.5, ये भी कैसे हैं डीशील्डेड प्रोटॉन्स हैं। अगेन क्लोराइड्स ये भी डीशील्डेड प्रोटॉन है, लेकिन इनकी वैल्यू क्लोराइड प्रोटॉन से कम होती है, दैट इज 3-4 है इसकी डेल्टा वैल्यू। एल्कोहल्स जो ये प्रोटॉन है इनको एल्कोहल्स कहेंगे, और इसी प्रकार से ईथर ये हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है एक्चुअली, तो यहाँ पर यदि हम देखें एल्कोहल का मतलब जो है इस प्रकार का जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन की ये डेल्टा वैल्यू 3.4 से 4 के घटती होती है। यहाँ पे ईथर यदि ईथर से जुड़ा हुआ है कोई कार्बन उसके जुड़ा हुआ प्रोटॉन है उसकी वैल्यू 3.3 और 4 के बीच में है। एस्टर
उसी प्रकार से ऐसे इनके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है 2 से 2.5, क्योंकि सी ओ एन के पास में या सी ओ आर के पास में तो थोड़ा बढ़ जाती है, इसके आधार पे इसके डी शेड्यूल होती है और डेटा वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। एल्डिहाइड प्रोडक्ट जो कि एल्डिहाइड युक्त होते हैं आर सी एच ओ, इस प्रोडक्ट को हम एल्डिहाइड प्रोडक्ट कहते हैं और इसकी वैल्यू जो है ये हाईली डिसेटेड प्रोडक्ट होते हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू से डेटा ज़्यादा बढ़ कर जाती है। हाइड्रोक्सी जो कि ये OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोक्सी प्रोटोन है, ये अगेन क्या है TMS प्रोटोन के आसपास इसकी वैल्यू है और इसके वेरिएशन होता है 1 से 5.5 के बीच में। फिनोलिक प्रोटोन जो कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसका जो हाइड्रोजन है उस प्रोटोन की उसकी डेटा वैल्यू वेरी करती है 4 और 12 के बीच में, डिपेंड करता है बॉन्डेड है या फ्री है। इसी प्रकार से इनोलिक प्रोटोन जो कि इस प्रकार के जो प्रोटोन है, ये प्रोटोन आपके जो होते हैं उनकी वैल्यू इनोलिक प्रोटोन की वो 15 से 17 के बीच में होती है, वो 10 से भी ज़्यादा हो जाती है, ये हाईली डिसीडेड प्रोटोन होते हैं इनोलिक प्रोटोन जिसको हम कहते हैं, और इसमें जिसमें प्रोटोमेरिज्म होती है और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। एंड कार्बोक्सिलिक प्रोटोन यानी COOH, ये प्रोटोन है इनकी वैल्यू 10.5 से लेकर 12 के बीच में है। तो ये कुछ डेल्टा वैल्यूज हैं, ये रेंज है, अप्रोप्रिएट वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, इसकी जो राइट वैल्यूज जो है नहीं फिक्स वैल्यू नहीं है, उनकी रेंज है। तो इस रेंज के आधार पर यदि आपके पास कोई NMR स्पेक्ट्रम है, कोई NMR वैल्यूज आपके पास है और उसके आधार पर आप बता सकते हो कि ये जो क्वालिटी कंपाउंड है इसमें इस प्रकार के केमिकल एनवायरमेंट का प्रोटोन हो सकता है, फिनोलिक ग्रुप हो सकता है, फिनोलिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, एसिड हो सकता है, तो इसी आधार पर हमको बहुत ज़्यादा सूचना मिल जाती है क्योंकि हमने IR की वैल्यूज पढ़ी है, तो IR की वैल्यू से हमको ये कन्फर्म हो जाता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और साथ ही साथ में NMR वैल्यू इसको क्या करता है, उसको वेरीफाई कर देता है और हमें जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में अप्रोप्रिएट या एडिक्यूएट जो उसकी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं। अब केमिकल शिफ्ट वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक सिंबॉलिक वैल्यूज है जो किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से या कहीं से हमने यूज किए, बार बार हमको ये वैल्यूज जो है मिलती है उन वैल्यूज को हमने यहाँ लिखा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नाभिक तो हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग डेटा वैल्यू उसकी आ रही है, तो कहीं पर किसी हाइड्रोजन के लिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम है ज्यादा है, ऐसा क्यों होता है? केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है डिपेंड करती है केमिकल एनवायरनमेंट पे और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होगा वैसे उसकी जो है शील्डिंग डीशील्डिंग इफेक्ट होगी। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं ये डिपेंड करता है शील्डिंग और डीशील्डिंग प्रभाव के कारण, परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव पर भी निर्भर करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम आपके यहाँ चर्चा करते हैं कि जिसके उपस्थित रहने से जिसके कारण केमिकल शिफ्ट वैल्यूज के अंदर अंतर आता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कारक हैं जिसके आधार पर ये केमिकल शिफ्ट वैल्यूज को ऊपर ज़्यादा होती है। तो मुख्यतः ये 4 कारक हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिससे केमिकल शिफ्ट वैल्यूज जो है डिपेंड करती है। नंबर 1 प्रेरणिक प्रभाव, फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट वैल्यू, रासायनिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, 4 मुख्य कारक हैं प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है वॉल परिरक्षण प्रभाव, प्रकार का जो प्रभाव है वो है विषम के
सिस्टम बेसिक का प्रभाव एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट और लास्ट है हाइड्रोजन बंद बॉन्डिंग। ये चार मुख्य फैक्टर्स हैं जो किसी प्रोटॉन या नाभिक की केमिकल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। एक मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट, वंडरवॉल्स की शील्डिंग, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कल इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रभाव किसी प्रोटॉन या नाभिक की केमिकल स्ट्रक्चर को कम या ज्यादा करते हैं। All the best, good luck.